ये समझ लें कि कुरान और नमाज सुकून देने के लिए नहीं है, बहुत परेशान करने के लिए है। हकीकी इस्तराब पैदा होना चाहिए दोनों से। ये असल में हमने नमाज को कोई अमलियात किस्म की चीज़ समझा हुआ है कि जब बेसुकूनी हो, डिप्रेशन बढ़ जाए, नमाज पढ़े। ये बात ठीक नहीं। तो इस वजह से आप कुरान मजीद जब आप पढ़ेंगी तो कुरान तो सवालात उठा देगा, मसाइल पैदा कर देगा, ज़िंदगी का एक दूसरा जाविया सामने ले आएगा। आप उसको फॉलो करें, ये देखें वो कहता क्या है। तो शदीद इस्तराब से जब आप गुजर जाएंगी तो उसका हासिल इत्मीनान होता है। वो कोई मंत्र नहीं है जिसको पढ़ने से इत्मीनान हो जाए।